नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। ग्राम पंचायत बढ़ेड़ी राजपुताना में निर्माणाधीन हेड ओवर टैंक के लिए गांव में पाइपलाइन डाली जानी थी, लेकिन विभाग ने गांव में कार्य को बीच में ही बंद कर कॉलोनियों में पाइपलाइन डालनी शुरू कर दी, जिसको लेकर शुक्रवार को मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सांठगांठ का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। इस खबर को न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका संज्ञान लेकर अधिकारियों ने कॉलोनियों में जाने वाली पाइपलाइन को हटवाकर कार्य शुरू किया है और ग्रामीण न्यूज वर्ल्ड इंडिया का धन्यवाद कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की खबर का हुआ असर। न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और जहां यहां पर कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया था, जिसको लेकर हंगामा किया गया था और उसके बाद ये पाइपलाइन यहां से उखाड़ दी गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पाइपलाइन यहाँ पर पड़ी है और इसको पूरी तरह से यहाँ से निकाल दिया गया है और काफ़ी लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि किस तरह ये लाइन को इसको यहाँ से निकाला गया है और क्यों लाइन के खिलाफ जो प्रदर्शन पानी के खिलाफ किया गया था, जो ग्रामीणों का पानी है वो निजी कॉलोनियों में दिया जा रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन भी किया था। आइए जानते हैं ग्रामीणों से कि किस तरह ग्रामीणों ने इस लाइन को फड़वा। जी, क्या मामला था? सबसे पहले हम आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो आपने परसों न्यूज़ दिखाई थी उसका असर देखने को मिला और जो आला अधिकारी है उन्होंने ये मामला संज्ञान लिया और आज ये लाइन यहाँ से फाड़ दी गई। ये अवैध कॉलोनियों में पानी टंकी का दिया जा रहा था, जो कि बिल्कुल गलत था। न्यूज वर्ल्ड इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद किया है इन सभी ग्रामवासियों ने। न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने ये खबर जो है प्रमुखता से दिखाई थी, उसको लेकर ये पाइपलाइन भी यहाँ से फाड़ी गई। अब देखने वाली बात होगी आगे से इस तरह का कोई कार्य किया जाता है या नहीं किया जाता है, जिस पर रोक लगाने के लिए ग्रामीण पूरी तरह से तैयार है। देखने वाली बात होगी कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है वो भी पूरी तरह से मैदान में उतरे हुए हैं, क्योंकि परसों जो खबर दिखाई गई थी उसमें साफ तौर पे जो वर्तमान प्रधानपति है उन पर सांठगांठ के आरोप भी लगाए थे, जिसको देखते हुए प्रशासन ने संज्ञान लिया और लाइन को फेड़वा दिया। सहजाद राजपूत, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, रुड़की। आगामी 7 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन गोरखपुर में हो रहा है। ये वही गीता प्रेस के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद गोरखपुर रेलवे स्टेशन जाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसको लेकर डीजीपी विजय कुमार, प्रमुख सचिव गृह संजय कुमार ने मंडलायुक्त सभागार में गीता प्रेस और रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और सावन महीने में निकलने वाले कांवड़ यात्रा का सकुशल संपन्न कराने के लिए बैठक की। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 7 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन गोरखपुर हो रहा है, जहां पर गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। साथ ही रेलवे स्टेशन गोरखपुर जाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का गोरखपुर भ्रमण प्रस्तावित है आगामी 7 तारीख को, आने वाले 7 तारीख को। उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मैं और डीजीपी साहब, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं उनके साथ हम लोगों ने गीता प्रेस का और ये दूसरा कार्यक्रम जो यहाँ गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे जो प्रस्तावित है उसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ आए थे। और अभी हम लोगों ने सड़क मार्ग से पूरे शहर का दौरा किया है, जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी जिन जिन मार्गों पे जाएंगे ये तो मतलब डिटेल तो मैं नहीं, वो मतलब पब्लिक नहीं किया जाता है। जो स्टैंडर्ड SOP है सुरक्षा की, उसके अनुसार जो सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। और जो कांवड़ यात्रा है उसकी भी समीक्षा की गई, जो कांवड़ यात्रा के दौरान अयोध्या से यहाँ तक जो कांवड़ यात्री चली है उसकी सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। रायबरेली के बरछावा ब्लॉक में चल रही शराब पार्टी, जी हाँ, ADO पंचायत प्रेमपाल सिंह की मौजूदगी में शराब पार्टी चल रही है। ADO ऑफिस में शराब पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है। बरछावा थाना क्षेत्र के ब्लॉक का ये पूरा मामला है। पूरे देश में बड़े धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाई गई। कुंज बिहारी मंदिर में गुरु की पूजा अर्चना के लिए कतार में लगे शिष्य और भक्तगण अपनी बारी का इंतजार करते हुए कुंज बिहारी मंदिर के पुजारी राधा मोहन दास महाराज ने बताया कि सभी अपने गुरुओं की बात माने, उनका काम भगवान से मानना, भगवान से प्रेम करेंगे तो देश में सुख और शांति व्याप्त होगी। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। भगवान से शिष्यों के मिलान को ही हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। शिष्यों के अंदर अंधकार दूर करें, गुरु पूर्णिमा का मतलब भगवान से मिलान का है। गुरु का शिष्य सेवा करने से भगवान मिलते हैं। सभी अपने गुरु की बात माने, गुरु का काम भगवान से मिलाना, गुरु कहते भगवान से प्रेम करो तो गुरु पूर्णिमा पर यही संदेश है, सब भगवान से प्रेम करेंगे देश में सुख और शांति व्याप्त होगी। महाराज जी, क्या महत्व है गुरु पूर्णिमा का, पूरे देश में मनाई जाती है हर साल? गुरु पूर्णिमा का बिल्कुल व्यास पूर्णिमा कहते हैं, जो भगवान से मिलाए, अंधकार दूर करें शिष्यों के अंदर से। गुरु पूर्णिमा का मतलब भगवान से मिलाने का।
सोमवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा स्नान को गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल संभल जिले के गुन्नौर कोतवाली इलाके के बबराला घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। यहां हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। श्रद्धालु गंगा में सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे थे। वहीं गुरु शिष्य परंपरा का भी लोग पूरी तरह से निर्वाह कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमामि गंगे के सजाए और संवारे गए बबराला घाट पर स्नान इसलिए भी खास रहा क्योंकि इस घाट में करीब 8 महीने बाद गंगा में पानी आया। 8 महीने गंगा में बिल्कुल भी पानी नहीं था, जिस वजह से श्रद्धालु बुलंदशहर जिले में स्नान करने जाते थे। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद बबराला घाट पर गंगा में पानी आने के बाद सोमवार को पहला स्नान पर्व मनाया गया। गौरतलब हो कि गुरु पूर्णिमा के मौके पर बबराला घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े प्रबंध किए गए थे। महाराज जी, आज गुरु पूर्णिमा है, यहाँ पर बबराला घाट पर गंगा स्नान हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा काम चल रहा है। गुरु पूर्णिमा का जल भी अच्छा चल रहा है, गंगा स्नान भी अच्छा चल रहे हैं। महाराज जी, क्या संदेश देंगे आज गुरु पूर्णिमा पर अपने शिष्यों को? आप तो जाएगा यही संदेश कि हमारे घर से गुरु लोग जो है सब आशीर्वाद हमारे, जिससे हमारे सबकी जो है। झांसी में अजय राजपूत पुत्र ओम प्रकाश राजपूत निवासी सुनार जिला दातिया, जो कि देर रात मोटरसाइकिल से छतरपुर से अपने घर की तरफ दातिया जा रहा था, उसी दौरान ग्राम भदवारा में स्थित पेट्रोल पंप के सामने मोटरसाइकिल सवार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार युवक अजय की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं मौके पर मौजूदा लोगों के द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को मामले से अवगत कराया। तो वहीं पोस्टमार्टम के लिए ममरानी पहुंचे परिजनों ने बताया कि मृतक अजय छतरपुर से अपने घर की तरफ लौट रहा था, उसी दौरान सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। अच्छा, ये बताइए जिनका एक्सीडेंट हुआ है आपके कौन थे भाई? अच्छा, कैसे एक्सीडेंट हुआ है? छतरपुर से अपने घर आ रहे थे, ट्रक में टक्कर मार। अच्छा, तो कैसे एक्सीडेंट हुआ है? ट्रक में टक्कर मार। अच्छा, कैसे आ रहे थे छतरपुर? बाइक से। अच्छा, आपको सूचना कैसे लगी? सूचना हमें पुलिस द्वारा लगी। फरुखाबाद में चलती रोडवेज बस से गिरकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बस में भीड़ होने से युवक खिड़की के पास खड़ा था। बस चलने पर युवक गिर गया। बस से नीचे गिरते ही युवक की मौत हो गई। युवक को लोगों ने 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला कायमगंज कोतवाली क्षेत्र का है। कल ग्राम रतनपुर थाना जानगंज में एक घटना घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने पुत्र को, अपने पति को और अपनी पत्नी को घायल करके और खुद सुसाइड कर लिया। इस संबंध में तत्काल एफ आई आर पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम गई वहाँ पे और उसके बाद टीमें बनाई जो अभियुक्त को गिरफ्तारी के लिए, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त थे। मोबा के थाना श्रीनगर क्षेत्र के पवा गांव में खेत पर बकरियां चराने गए किसान को जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ गई। वहीं परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, तभी रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। किसान की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं शव को जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाकर पुलिस को सूचना भेज दी गई है। बताया जा रहा है कि पवा गांव निवासी 35 वर्षीय राजा राम विश्वकर्मा खेत पर काम करने के लिए गया था, तभी उसको जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दादा, क्या नाम है आपका? हिंदूपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? पवा। क्या हो गया, क्या घटना हो गई है? सांप ने काट खाओ। कैसे काट दिया, क्या हो गया? बकरी चरा गए तो पछाव से दौड़ के काट खाओ। कहाँ गई थी ये बकरी चराने? हार। क्या नाम था इनका जो खत्म हुए? राजा राम। कहीं इलाज नहीं कराया आपने? हाँ, सब कहा कर रही पाओ इलाज जा ही नहीं पाएगा। मुजफ्फरनगर में स्थित दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर सोमवार सुबह एक बार फिर से उस समय चिकपुकार मच गई, जब एक अनंत ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तभी घटना पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक और व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना में दर्जन भर लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज सुबह थाना मंसूरपुर क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर जा रहे कुछ व्यक्तियों को पीछे से आ रहे एक ट्रक द्वारा टक्कर मार दी गई थी। इस हादसे में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई थी और बाकी जो घायल हुए थे उनको तुरंत पुलिस की 4 PRV मौके पर पहुंची थी। थाना पुलिस मौके पर पहुंच के और उनको तुरंत अस्पताल रेफर कर दिया गया था। वहां में अस्पताल में दौरान उपचार एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। इस मामले में इस प्रकार कुल 3 व्यक्तियों की मौत हुई थी। बांदा में आर्थिक तंगी और कर्ज के चलते किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। किसान का लगभग 9 लाख का कर्ज था, 5 बीघा खेत भी गिरवी रखा था। बेटी की शादी के लिए किसान ने कर्ज लिया था। मृतक किसान ने क्रेडिट कार्ड और सुखदारों से कर्ज लिया था।
दूसरी बेटी की शादी की चिंता और ब्याज न भर पाने को लेकर किसान परेशान था। मामला अर्थरा थाना क्षेत्र के सोवा के पुरवा का है। ये क्या घटना हो गई है आपके यहाँ? पापा फांसी लगा खत्म हो गया। पिताजी आपके? हाँ। उम्र कितनी है पिताजी इनकी? 50 साल। क्या नाम है? संतोष। उनके पिताजी का नाम? पापा के पिताजी का नाम? हाँ। जागेश्वर। क्यों फांसी लगाई है, क्या लगता है? बस कर्ज के लिए लगाया, टेंशन में। कर्ज के टेंशन में? क्या काम करते थे? कुछ नहीं, यही खेती किसानी। फरुखाबाद में पिता ने बच्चे की हत्या कर खुद को फांसी लगाने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 40 लाख रुपए गबन करने वाली कंपनी के मैनेजर MD सेल्समैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। व्यापारी किसान ने पैसे न मिलने के चलते डिप्रेशन में बच्चे पत्नी बेटी पर गंडासे से हमला कर दिया। 5 साल के बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। पत्नी और बेटी घायल हुए थे। घटना को अंजाम देकर पिता ने खुदकुशी कर ली थी। व्यापारी किसान ने कानपुर की कंपनी को 40 लाख की मक्का बेची थी। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने को लेकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सभी आरोपी जनपद कानपुर के निवासी हैं। SP ने मामले का खुलासा किया है। थाना जहानाबाद क्षेत्र का ये पूरा मामला है। कल राम रतनपुर थाना जहानगंज में एक घटना घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने पुत्र को, अपने पति को और अपनी पत्नी को घायल करके और खुद सुसाइड कर दिया। इस संबंध में तत्काल FIR पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम गई वहाँ पे और उसके बाद टीमें बनाई गई जो अभियुक्त को गिरफ्तारी के लिए, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त थे। अब खबर गाजीपुर से, जहाँ 28-33 की रात डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि आरोपी रविंद्र बिंद को पुलिस ने आला कत्ल के साथ वाहन चेकिंग के दौरान भावरकोल थाना इलाके के भरौली के पास से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। दरअसल मोहम्मदाबाद थाना इलाके के बड़पुर में 28-29 की रात मौसेरे भाइयों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें से एक मृतक प्रधान रामलाल बिंद का बेटा था, दूसरा मृतक मौसेरा भाई था। मामले में ग्राम प्रधान रामलाल ने गाँव के ही रविंद्र बिंद के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी रविंद की गिरफ्तारी के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी कर तलाशी की। वहीं SWAT सर्विलांस और मोहम्मदाबाद थाने की टीम की संयुक्त कार्रवाई में डबल मर्डर के आरोपी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। 28/29 तारीख की रात में बढ़ईपुर थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 नवयुवकों की चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। अभियोग मृतक के पिता के द्वारा पंजीकृत कराया गया था। अमीजी में 4 दिन पहले हुई डकैती का रामगंज पुलिस ने खुलासा कर दिया। 4 दिन पहले बदमाशों ने छत पर चढ़कर आंगन का जाल तोड़ते हुए घर में घुसकर जाग रहे सभी परिजनों को बंधक बनाकर लूटपाट की। SP ने खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और डकैती का खुलासा कर दिया। डकैती में शामिल हुए 4 साथियों को 1,75,000 रुपये नगद जेवरात के साथ पुलिस टीम ने धर दबोचा है। लूट की घटना में शामिल 2 अभियुक्त प्रतापगढ़ जिले के, 2 अभियुक्त अमेठी के शामिल हैं। रामगंज थाना क्षेत्र के रामगंज बाजार में डकैती हुई थी। देखिए 28 और 29 जून का बीच वाला रात में लगभग 1 बजे थाना रामगंज अंतर्गत रामगंज कस्बे में एक व्यापारी के घर के अंदर 3 बदमाशों ने अंदर कूद कर कैश और ज्वेलरी लूट किए थे। इसको आज जिला अमेठी पुलिस ने खुलासा किया है। इसमें टोटल 6 लोग शामिल थे। 4 लोगों को गिरफ्तारी किया है और कैश और ज्वेलरी बरामद किया है। 2 लोग फरार है। इन लोगों को गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।